स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अटारी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नारायण। सबसे पहले बैच को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इसी उम्मीद के साथ कि आप 2020 में एक अच्छे पद पर चयनित होना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको उस पद तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने मेहनत प्रारंभ कर दी है और आशा और उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ अपनी मेहनत प्रारंभ कर दी होगी। 24 तारीख से हमारे यहाँ सफलता पूर्वक बैच संचालित होने लगा है और उस बैच में अभी भी प्रवेश जारी है और आप लोगों ने जैसे भरोसा जताया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उस बैच में जितनी आप मेहनत करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा हम और हमारे टीचर आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में मेहनत करने को तैयार हैं। यदि आप हमारे प्री और प्री कमेंस किसी एक बैच में भी या दोनों बैचों में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन की एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद अपना कोर्स में आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप हमारे यहाँ केवल प्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर वाले नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, याद रखिएगा बार बार पूछते हैं आप लोग, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर 9170509670 इस पर केवल पीसीएस प्री एंट्री लेकर सेंड कर देना है। हमारी काउंसलर्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपको एडमिशन की प्रक्रिया समझा देंगे, ठीक ना। उसके बाद यदि आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा में पास होना चाहते हैं बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी पास होकर और साक्षात्कार निकालकर इंटरव्यू देकर 2020 में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारे यहां पीसीएस प्री का बैच प्रारंभ हो रहा है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक नंबर है 9918000454 इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप के माध्यम से, पीसीएस प्री कमेंस इंट्री लिखकर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस यात्रा में आपके साथ हमेशा रहूंगा, न केवल पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के साथ साथ पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट कराऊंगा भूगोल पर्यावरण उत्तर प्रदेश स्पेशल जनसंख्या एवं नगरीकरण मेरे द्वारा ही आपको कंप्लीट कराया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन ट्रिक के साथ हम सब कुछ अध्ययन करेंगे ताकि एक भी नंबर आपका मिस ना हो। और एक एक नंबर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस व्यक्ति से सोचिए पूछेगा जिसका मान लीजिएगा कट ऑफ 100 जाती है और आते हैं नंबर उसके 99, बहुत दुख होता है उसे, एक नंबर से चूक गया। तो एक नंबर से हम आपको कभी नहीं चूकने देंगे, ना ही एक नंबर क्या एक भी आपको चूकने ही नहीं देंगे, सीधा का सीधा आपका सिलेक्शन होगा, ठीक ना। चलेगा, आइए हम लोग भारत के खनिज पढ़ रहे थे पीसीएस के लिए, उसी खनिजों में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अगले खनिज की जिसका नाम है अभ्रक। अभी तक मैं आपको भारत की भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना के बाद कोयला, कोयला के बाद पेट्रोल और पेट्रोल के बाद लोहा, लोहा का मैग्नीज, कॉपर, सीसा, जस्ता, हीरा, सोना और आपका हीरा, सोना, चांदी, इतना सब अध्ययन कर चुके थे हम लोग। इसके आगे अध्ययन करते हैं अभ्रक, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। अभ्रक इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है माइका, ठीक ना, समझिएगा इसको। अगर अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक जो है वो आग्नेय एवं कायांत्रित और कायांत्रित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो आग्नेय एवं कायांत्रित चट्टानों से इसकी क्या होती है, आग्नेय एवं कायांत्रित चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है, किसकी, अभ्रक की। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर, उत्पादन में प्रथम कौन सा देश, भारत, अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक ना, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि अभ्रक का उपयोग क्या है तो अभ्रक का जो उपयोग है वो आपके उर्वरक उद्योग में भी यूज किया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सामान बनाए जाते हैं, बिजली के सामान बनाए जाते हैं, बिजली के सामानों में भी यूज किया जाता है, ठीक ना। तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं उर्वरक उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, ठीक ना, बिजली निर्माण में या बिजली के सामान निर्माण में, बिजली के सामान निर्माण में, ठीक ना।
और उसके बाद रंग रोजन, जो रंग रोजन कारखाने होते हैं जहां पे रंगों का निर्माण किया जाता है, रंग रोजन के निर्माण में, ठीक ना, इन सब में इसका यूज किया जाता है अभ्रक का, ठीक ना, आपको याद रखना है। अगर हम इसके बाद आगे इसी में बात करते हैं कि अभ्रक के प्रकार, तो अभ्रक बाबू याद रखिएगा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन। श्वेत, एक जिसका रंग सफेद होता है उसको श्वेत अभ्रक, एक जिसका हल्का सा गुलाबी रंग होता है उसको नाम दिया जाता है श्याम अभ्रक, और एक जिसका रंग येलो रंग का होता है, पीला होता है, उसको येलो, ठीक ना। तो नेक्स्ट में लिख लेंगे हम लोग, अगर हम अभ्रक को देखेंगे, अभ्रक के प्रकार, तो तीन प्रकार का होता है। पहले को नाम दे दिया गया श्वेत, श्वेत अभ्रक, व्हाइट माइका सर्वोत्तम प्रकार का होता है। सर्वोत्तम प्रकार का क्या होता है? सर्वोत्तम प्रकार का होता है, इस पर लाइनिंग बनी होती है, धारियां बनी होती हैं, धारियों का इस पर क्या होता है, धारियों का इस पर विकास होता है, ठीक ना। मान लीजिएगा इस प्रकार से है, इस प्रकार से हम बना देते हैं, मान लीजिएगा ऐसा है और इस पर ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, ऐसे, तो सफेद रंग का होता है और इस पर लाइनिंग बनी होती है, धारियों का निर्माण होता है, आपको याद रखना, धारियों का इस पर विकास होता है, ठीक ना, सर्वोच्च प्रकार का है। इसको रूबी अभ्रक के नाम से भी जानते हैं, रूबी, आर यू वी वाई, रूबी माइका, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, सर्वोत्तम प्रकार का जो अभ्रक होता है वो श्वेत अभ्रक होता है, ठीक ना। उसके बाद अगला देखिएगा, उसके बाद होता है श्याम अभ्रक, श्याम अभ्रक, इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग होता है इसका, ठीक ना, आपको याद रखना है, हल्का इसका गुलाबी रंग होता है। और उसके बाद में होता है पीत, पीत अभ्रक, और पीत अभ्रक को ही, पीत मतलब पीला, तो इसका रंग जो होता है वो पीला रंग होता है इसका, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो, इसका रंग पीला होता है, तो इसको पीत अभ्रक कहा जाता है, ठीक ना। चलिएगा, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कहां से होता है, तो भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन जो है वो झारखंड राज्य से होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है, और उसके बाद राजस्थान का, ठीक ना। तो उत्पादन में हम देख लेते हैं, शीर्ष अभ्रक उत्पादक राज्य, शीर्ष अभ्रक उत्पादक राज्य, ठीक ना, इनको देख लेते हैं हम, शीर्ष अभ्रक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आपका झारखंड है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, झारखंड, ठीक ना, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर है हमारा राजस्थान, तीसरे नंबर पर कौन है, राजस्थान। झारखंड में आपको दो जगह याद रखनी है, एक का नाम है पलामू और एक का नाम है हजारीबाग, पलामू और हजारीबाग, यहां से पर्याप्त मात्रा मिलता है। झारखंड में पलामू एक स्थान है और दूसरा स्थान है हजारीबाग, इन दोनों स्थानों से पर्याप्त मात्रा में अभ्रक की प्राप्ति होती है। बात अगर हम आंध्र प्रदेश की करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में आपको दो स्थान याद रखने हैं, एक का नाम है खम्मम और दूसरे का नाम है नेल्लोर। खम्मम और खम्मम के साथ साथ दूसरा शहर कौन सा है, तो दूसरा शहर है नेल्लोर। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में भी आपको दो शहरों के नाम याद रखने हैं, एक का नाम है उदयपुर और दूसरे का नाम है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा,
एक का नाम उदयपुर है और उदयपुर के साथ साथ दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है भीलवाड़ा। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक ना, दोनों आपको याद रखने हैं, चलेगा। तो ये आपका अभ्रक है और अभ्रक के कार्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो किसमें होता है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनाने में होता है, जो वायर के ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है वो अभ्रक का होता है, ठीक ना। अभ्रक उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे आगे हमारा भारत देश है, इस बात को भी याद रखना है। दूसरा खनिज देखते हैं हम लोग, और दूसरा खनिज आपके पास है जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम अगर हम लोग बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम जो है वो औषधीय चट्टानों से प्राप्त होता है, साथ ही साथ विंध्यन क्रम की चट्टान। हम आपको भारत की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन क्रम की संरचना, धारवाड़ क्रम की संरचना, ठीक ना, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा क्रम की संरचना, गोंडवाना क्रम की संरचना, दक्कन ट्राइब संरचना और विंध्यन क्रम की संरचना, इनसे सबसे अवगत कराए हैं। तो जिप्सम की अगर हम बात करते हैं, तो जिप्सम जो है मैं वो विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है विंध्यन क्रम की चट्टान से। और साथ ही साथ अगर विंध्यन क्रम की चट्टान नहीं दिया जाएगा तो औषधि चट्टानों से प्राप्ति होती है इसकी, औषधि चट्टान, औषधि चट्टान से प्राप्ति, ठीक ना। अगर मैंने यहां पर इतना लिख दिया है, अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं विंध्यन क्रम की चट्टान, तो हमने आपको यह भी बताया था कि भारत में कहां कहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र यानी विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र जो है, ठीक ना। अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात अगर करते हैं, तो यहां पर विंध्याचल पर्वत है गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है, और साथ ही साथ अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक ना। तो अगर हम जिप्सम की बात करते हैं, तो जिप्सम जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी से, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी से, और अरावली पर्वत श्रेणी के साथ साथ एवं अरावली पर्वत श्रेणी से एवं विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से, विंध्यन या विंध्याचल, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से मिलता है, ठीक ना, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से इसकी प्राप्ति होती है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से इसकी क्या हो जाती है, प्राप्ति किसकी, जिप्सम की, ठीक ना, जिप्सम की। अगर हम बात करें राज्य की, शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, तो शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करते हैं, जिप्सम का शीर्ष उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहां से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, कहां से, हनुमानगढ़ जिले से शीर्ष उत्पादक है हनुमानगढ़। उसके बाद गुजरात, दूसरे नंबर पर गुजरात है, गुजरात, ठीक ना, और तीसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखनी है। गुजरात, गुजरात में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, मैंने पढ़ाया आपको, गुजरात में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक ये फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, आपको सारे नाम याद रखने, ठीक ना। और देखिएगा ऐसी पढ़ाई होती है, एक टॉपिक से लिंक होते हैं, जैसे जैसे आपको एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे मैं या अन्य सारे टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो एक क्रम से और सुव्यवस्थित रूप से पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम और सुव्यवस्थित रूप से आप आगे कंटिन्यू करते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक ना। अगर हम अब जिप्सम की बात करें, तो जिप्सम जो है, जिप्सम का जो उपयोग है, जिप्सम का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में किया गया, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जिप्सम का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो किस में किया जाता है, वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जहां पर जिप्सम होता है वहां पर सीमेंट के उद्योग लगाए जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर यहां पर है, सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में जिप्सम पाया जाता है, और सोनभद्र मिर्जापुर में पर्याप्त मात्रा में जिप्सम के पाए जाने के कारण ही यहाँ के चुर्क और चुनार नामक शहरों में क्या लगाए गए हैं, सीमेंट उद्योग लगाए गए हैं। तो सीमेंट उद्योग अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में दो जगह आपको याद रखनी है, एक जगह का नाम है चुर्क और दूसरी जगह का नाम है चुनार।
अब आपका ये होमवर्क है, आपको खोजना है कि चुर्क और चुनार किन शहरों में है, ठीक ना। चुर्क कहां पर है, सोनभद्र में है या मिर्जापुर में है, और चुनार कहां पर है, सोनभद्र में है या मिर्जापुर में, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और धीरे धीरे सारी चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी, ठीक ना। चलिए जिप्सम के बाद हम अंगली धातु पर आते हैं, और जिप्सम के बाद जो हमारी अंगली धातु है इसका नाम है क्रोमाइट। क्रोमाइट, ठीक ना, क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट से क्रोमियम का निर्माण होता है। क्रोमाइट से क्रोमियम का निर्माण होता है पहली बात तो, और क्रोमियम के द्वारा स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, ठीक ना। क्रोमाइट से किसका निर्माण होता है, क्रोमाइट से क्रोमियम का निर्माण होता है, और क्रोमियम के द्वारा क्या बनाया जाता है, क्रोमियम के द्वारा स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा पाया जाता है, लोहा के साथ साथ क्रोमियम पाया जाता है, क्रोमियम के साथ साथ निकल पाया जाता है, और निकल के साथ साथ कार्बन पाई जाती है। निकल के साथ साथ कार्बन पाई जाती है। तो इन चार तत्वों या इन चार धातुओं के द्वारा कहीं जाके स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होती है हमें, स्टेनलेस स्टील। ये बातें आपको याद रखनी होगी। अगर लोहा में पढ़ा चुका हूं क्रोमियम कार्बन निकल, तो निकल की अगर बात करें तो निकल के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में, शीर्ष भंडारक किसका, शीर्ष भंडारक, तो निकल का शीर्ष भंडारक राज्य जो है, निकल का शीर्ष भंडारक राज्य आपका कौन सा है, वो उड़ीसा है। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक ना, उड़ीसा है। क्रोमाइट, क्रोमाइट का जो उपयोग है वो तो एक तो स्टेनलेस स्टील में हो गया, उसके बाद विद्युत रोधी जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। अगर हम क्रोमाइट के उत्पादन की बात करते हैं, इसका उत्पादन कहां पर सबसे अधिक होता है, शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें, शीर्ष उत्पादक राज्य, तो इसका शीर्ष उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्रोमाइट के भंडार पाए जाते हैं, पूरे भारत देश में उड़ीसा पहला स्थान रखता है क्रोमाइट में, ठीक ना। यहाँ की एक घाटी है सुकिंदा घाटी, बहुत फेमस है, उड़ीसा में घाटी है सुकिंदा घाटी। कई बार पूछा जाता है सुकिंदा घाटी किसके लिए जानी जाती है, क्रोमाइट के लिए, ठीक ना, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद दूसरा जो स्थान है वो कर्नाटक राज्य का है। उड़ीसा के बाद जो दूसरा स्थान है वो किस राज्य का है, वो आपके कर्नाटक का है, और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। एक क्रोमाइट के तीन शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, आपको याद रखना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाना है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। क्रोमाइट से क्रोमियम की का निर्माण होता है या क्रोमियम की प्राप्ति होती है, कुछ भी क्रोमियम का प्राप्ति लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, क्रोमियम की प्राप्ति होती है, और क्रोमियम के द्वारा स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, ऐसा लिख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, लोहा क्रोमियम निकल और कार्बन। अगर हम यहां पर बात करते हैं लोहा तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, चार प्रकार का होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट सिडराइट, ठीक ना। अगर यहां पर बात करें क्रोमियम भी हो गया, निकल, तो निकल का जो शीर्ष उत्पादन है या शीर्ष जो भंडार है वो सबसे ज्यादा कहां है, उड़ीसा राज्य में। उसके बाद क्रोमाइट का जो और उपयोग क्या है, विद्युत रोधी सामान बनाने में, और उसके साथ साथ क्रोमाइट के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कहां से मिलता है, शीर्ष उत्पादक राज्य पूछे जाए तो ओडिशा है पहले स्थान पर, फिर कर्नाटक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा जो अगला खनिज है इस खनिज का नाम क्या है, तो टिन, और टिन को प्रदर्शित करने का सिंबल SN होता है, ये आपको याद रखना है। टिन, अगर हम टिन की बात करें तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा टिन की चादरें बनाई जाती हैं, टिन की चादर बनाई जाती है। तो टिन का अगर उपयोग की बात करते हैं,
टिन का उपयोग, तो टिन की चादर बनाई जाती है, टिन की क्या बनाई जाती है, चादर, और साथ ही साथ वेल्डिंग जो सेडलेटिंग का काम होता है जिसमें आप वेल्डिंग वगैरह कराते हैं उसमें भी टिन का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं सीधा सेड रेलिंग में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। टिन भारत में दंडकारण्य पठार और दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग को बस्तर का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं, बस्तर का पठार। और जो बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है, आप लोगों ने बखूबी इसका नाम सुना होगा, बस्तर जो स्थान है, बस्तर का पठार नक्सलाइड एरिया है, नक्सलवादी क्षेत्र है, नक्सलवाद यहां पर बहुत ज्यादा है, तो बस्तर का पठार से प्राप्त होता है। और बस्तर पठार के साथ साथ यह हरियाणा से प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा से इसकी प्राप्ति होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। टेन, तो ये आपका टेन हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, चलेगा। अब एक दो धातुएं और हैं जो कि परमाणुविक हैं, जिनका उपयोग हम परमाणु ऊर्जा के लिए करते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ठीक ना। तो एक एक से इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम यूरेनियम की, तो ये कई बार पूछा जाता है, यूरेनियम, ठीक ना, कई बार पूछा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार कजाकिस्तान में है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके शीर्ष भंडारक राज्य माने जाते हैं। अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम के जो भंडार है वो झारखंड राज्य में है। कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार झारखंड राज्य में है, और झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा की खान। ये जादूगोड़ा की खान बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक ना। कई बार पूछा जाता है कि जादूगोड़ा की खान किसके लिए जानी जाती है, तो जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए जानी जाती है। 2018 में भारत में या वर्ष 2018 में जो आपका झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड में यूरेनियम के पर्याप्त मात्रा में भंडार है, ठीक ना। और जो यूरेनियम का उपयोग है, यूरेनियम जो है वो इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में या परमाणुविक ऊर्जा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणुविक ऊर्जा में, ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जब मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जगह है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, मैं बीओ के लिए जो पठार वाला भाग आपको पढ़ा रहा था उसमें है। और आप लोग ये बार बार कहते हैं, सर मैंने किसी कमेंट पढ़ा था, सर नदियां आपने बीच में पढ़ा के छोड़ दिया, बाबू ये एक प्रकार का डेमो चल रहा है आपके, ठीक ना, एक प्रकार के बैच, वो मैंने नदियां वहां पर मैंने डेमो दे रहा था, वहां डेमो समाप्त हो गया, नदियां मैं बैच में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक ना, नदियां बैच में चल रही हैं। तो यदि आप पूरा कोर्स आपको फ्री में नहीं मिलेगा, पूरे कोर्स के लिए जो हम आपको नंबर देते हैं उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप एंट्री लेकर जो भी बैच लेना चाहते हैं वो एंट्री लेकर भेजना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके पूरा कोर्स मिल पाता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि आप हमारे प्रीलिम्स प्री बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं पीसीएस के, तो ऊपर वाला नंबर जो है 9170509670, इस नंबर पर आपको पीसीएस प्री एंट्री लेकर सेंड करना है। और अगर आप पीसीएस प्री का मेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9918000454, इस नंबर पर आपको यूपी पीसीएस प्री का मेंस एंट्री लेकर सेंड करना होगा। एडमिशन की प्रक्रिया आपको पूरी की पूरी बता दी जाएगी, ठीक ना, चलेगा। उसके बाद अगला खनिज जो आता है इस खनिज का नाम है थोरियम, ठीक ना। अगला जो खनिज हमारा, इस खनिज का नाम है थोरियम,
और जो थोरियम है इसका भी अगर हम उपयोग की बात करें तो ये परमाणुविक ऊर्जा में उपयोग किया जाता है, परमाणुविक ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है थोरियम का, ठीक ना। और जो भारत में थोरियम है ये सबसे ज्यादा केरल राज्य से प्राप्त होता है, भारत में जो थोरियम है वो केरल राज्य से प्राप्त होता है, और केरल राज्य में मोनाजाइट बालू से इसकी प्राप्ति होती है, मोनाजाइट बालू से प्राप्ति होती है। ये कई बार पूछा जाता है मोनाजाइट बालू से किस धातु की या किस आपके परमाणविक तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक ना, तो थोरियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? थोरियम की, ठीक ना। तो ये जितने भी खनिज आपके एग्जाम में पूछे जाते थे मैंने एक बार में उनको सबको आपको पढ़ा दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हमारे महत्वपूर्ण जो खनिज थे वो समाप्त हो गए हैं। फिर से एक बार एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया हम बता देते हैं। यदि आप हमारे पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस बैचों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऊपर वाला प्रीलिम्स के लिए है और नीचे वाला जो नंबर है 9918000454 ए प्री का मेंस बैच के लिए है। आप दोनों में से किसी भी बैच में, और मैं तो कहूंगा कि आप इस वाले बैच में बैच लीजिएगा जिसमें हमारे दोनों फैकल्टी अलग हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी फैकल्टी अलग है और मुख्य परीक्षा के लिए आलोक सर और रवि सर के क्वेश्चन निर्देशन में दिल्ली मुंबई, ठीक ना, कुछ लोग जयपुर से आ रहे हैं, तो अलग अलग विशेषज्ञ आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। और यह एक्सपर्ट ऐसे एक्सपर्ट हैं जो भारत के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिएगा, तो आज ही रख लेते हैं मित्रों, इसके आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।